जी, एक और जॉब अपडेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये जॉब है आपके बीएसएफ सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर की जॉब है बट टेक्निकल जॉब है, मतलब यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है ना, डिप्लोमा इन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल है, पर टेंशन नहीं लेना है। आपने केवल बीटेक किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आपने डी टू डी किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। वो जो वायात टाइप की क्राइटेरिया होती है वो यहाँ पे नहीं है। तो इस पोस्ट के बारे में डिटेल में यहां पर डिस्कशन होने वाला है। रिसेंटली इसकी पोस्ट आई थी, कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले, उसका एग्जाम भी हो चुका है, उसकी लिस्ट भी आ चुकी है, लोगों की ज्वाइनिंग भी है फेब 20 से। तो हम वहां से भी कुछ इनपुट कलेक्ट किए हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। पर एक बात और आपको बता देता हूं, अगर आप ये वीडियो देख लिया है, आपने देख रहे हो या देख लिया है, और आपके मन में कोई डाउट आ रहा है इस पोस्ट से रिलेटेड या फिर इसके सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड या किसी भी टाइप का डाउट, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज एक इंटरव्यू शूट होने वाला है सिलेक्टेड कैंडिडेट का, तो मैं आपका जो क्वेश्चन है वो वहां पे पुट अप कर दूंगा, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। पर ये वीडियो पब्लिश होने के कुछ ही टाइम बाद वो इंटरव्यू शूट होगा, तो अगर आपका जल्दी कमेंट रहेगा तभी इंक्लूड हो पाएगा, बाद में रहेगा तो नहीं हो पाएगा। वैसे मैं मेरी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा कि सारा पर्सपेक्टिव हम लोग डिस्कस कर लें, यहां पर भी कुछ करूंगा, वहां पर डिटेल में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और अगर आप यहां पर चले जाते हो, सिलेक्शन हो जाता है, तो ये भाई स्लोगन है, मोटो है, अगर ऐसा दमखम हो तो ही जाना, ड्यूटी अंटिल डेथ। और पैसे तो हम कहीं भी कमा सकते हैं, कुछ चोरी चमारी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए। मतलब जॉब वालों को कह रहा हूं भाई, जो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, ऐसे टपोरी वाले चोरों की बात नहीं कर रहा हूं, आधे तो जाके यही तो करते हैं, मतलब घुस खाना, पैसे खाना, वो भी तो चोरी हुई भी। तो ये सब चीजें भी कर सकते हैं, पर अगर पैशनेट हो आप डिफेंस फोर्सेज में जाने के लिए, तो आप ये पोस्ट जरूर फिलअप करिए। मतलब एक अलग ही मजा होता है, एक सुकून होता है, आप करके देखिए, ज्यादा मिलेगा। मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं, जो लोग एक्सप्रेस करते हैं अपना भी उसके हिसाब से। बाकी यहां पे हम एलिजिबिलिटी के बारे में, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल और मेडिकल के बारे में थोड़ा मैं यहां पे डिस्कशन करूंगा, ज्यादा मैं इंटरव्यू वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। सिलेबस और कट ऑफ क्या होना चाहिए, बुक्स क्या होना चाहिए, किस पोर्शन का, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, ये सारी बातें ये वीडियो कवर करती है। तो एक कंप्लीट कॉम्बो होता है ना, वो मिल जाएगा आपको, तो आप प्लान कर पाओगे कि आपको किस तरीके से पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। वैसे एक बात बताते चलूं कि इस चैनल पे जितने लोग हैं ना, जो भी सिलेबस है इसका, मुझे लगता है कि पढ़ाई होगा, उसकी तैयारी हुई ही होगी, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। सीट थोड़ी कम है, पर आपको एग्जाम जरूर देना चाहिए, मतलब तो खुद को इवेल्युएट तो कर ही पाओगे, और सिलेक्शन हो गया तो आपकी मर्जी है, जॉब करना है नहीं करना। वैसे जॉब मिल नहीं रही है, सिलेक्शन हो तो जॉब जरूरी करना चाहिए। और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है बीएसएफ में, और जो मैकेनिक्स वाली पोस्ट है उसमें ऐसा कुछ खास काम नहीं रहता है, नहीं तो बस सेंटर पे बैठ के एंजॉय ही करना है एक कह लो, तो बस जरूर भरिए। बाकी अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं, तो ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अगर कोई पर्सनल मैसेज है तो जरूर करिएगा। अब चलिए आ जाते हैं वैकेंसी के डिटेल पे। ये एलिजिबिलिटी मैंने पहले ही बता दिया है। एक क्वेश्चन जो बार बार आता है कि डिप्लोमा है तो बीटेक है कि नहीं, है भाई, सब कुछ है, मैंने पहले बता दिया, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें। ऊपर वाली पोस्ट आपको नजर आ रही है, मैंने पहले कहा कि ये पोस्ट पहले भी आई थी, उस समय 11 पोस्ट थी, उसका अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। यहां पे 5 पोस्ट है और एक पोस्ट रिजर्व ओबीसी की, टोटल 6 पोस्ट है। एक देख पाओगे आप ऑटो इलेक्ट्रिक की पोस्ट है, एक रिजर्व पोस्ट है, टोटल 2 हो गई, और एक पोस्ट आपकी स्टोर कीपर की है और वो जनरल की है, तो टोटल 9 पोस्ट है। इन सारे पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है भाई, एलिजिबिलिटी है मिनिमम एलिजिबिलिटी लिख रखा है डिप्लोमा। अब ये एलिजिबिलिटी देख के कुछ लोग कहेंगे कि बीटेक अलाउ नहीं है, भैया बीटेक अलाउ है, लास्ट टाइम बीटेक वाले बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो ऐसा कुछ इफ एंड बट वाला टेंशन भी नहीं है, ठीक है। और आज जिसका इंटरव्यू आएगा वो भी बीटेक ही है, ठीक है, तो मतलब बीटेक अलाउ है। अगर आप फिलअप करना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, तो बिल्कुल दीजिए, पर हाँ अलाउ तो है, पर यह हाइट देख लेना, थोड़ी फिजिकल चीजें देख लेना, मेजर जो है प्रॉब्लम ये हाइट की, प्रॉब्लम तो नहीं है, इतनी हाइट तो हो जाती है, पर अगर आपकी नहीं है तो फिर प्रिपरेशन करने, एग्जाम देने जाने का कोई मतलब है नहीं। चेस्ट का थोड़ा तो चल जाता है, बाद में भी चेस्ट तो घटता बढ़ता रहता है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं। फीमेल की हाइट भी चेक कर लीजिए, ठीक है, और ये चेस्ट का एक्सपेंशन तो आगे पीछे आप कर लेना जब सिलेक्शन होगा, वेट आपका आपके जो बेसिकली बॉडी के हिसाब से होना चाहिए, हाइट के ऐसा कुछ है नहीं, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, ओवर वेट या फिर बहुत ज्यादा थिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन के प्रोसीजर का। तो सिलेक्शन के प्रोसीजर में और भी स्टेजेस होते हैं, पर उनका मेरिट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। मेरिट में कंट्रीब्यूशन केवल और केवल इस एग्जाम का होता है, जो कि आपका होगा 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में आपको टारगेट कितना करना है, 70 प्लस टारगेट करें
तो जाके उम्मीद रहेगी। अब ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आया है, कितने लोग अपीयर हुए हैं, पर ऑन एन एवरेज आप ये मान के चलो आपका टारगेट इतना तो होना चाहिए। इससे कम टारगेट रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम का जो सीन था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। अब इसमें आता क्या है, इंग्लिश आती है 20 मार्क्स की। अब इंग्लिश तो आप पढ़ ही रहे होगे, मुझे लगता है दूसरे एग्जाम्स में भी आती है, तो पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा होगा, छोड़ रखा होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना होगा तो आप देख लेना क्या करना है। कुछ तो आप कर ही लोगे, ऐसा नहीं कि एकदम से नहीं कर पाओगे, कुछ क्वेश्चन तो सही कर ही लोगे नहीं पढ़ा होगा तो भी। फिर जीके ये भी आपका 20 मार्क्स का है, अभी आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट का वेटेज है वो 60 मार्क्स का है। अब इसमें कहां कहां पे और कैसे फोकस करना है इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करता हूं। इससे पहले एक बात और बता देता हूं आपको कि ये जो पूरा सिलेबस है ना, जो आपको यहां पे नजर आ रहा है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, डिटेल में इसका सिलेबस आपके एडवर्टीजमेंट में दिया गया है, ठीक है। ये पूरा सिलेबस मैंने यूट्यूब पे भी कराया हुआ है, तो अगर आप चाहते हो तो यूट्यूब से फॉलो कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पर उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और थोड़ा आप सिक्वेंशियल वे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इसका कोर्स भी है, इस पूरे का मतलब जो बीएसएफ का एसआई मैकेनिक्स का है या फिर ऑटो इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है उसका कोर्स भी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। और अभी के लिए मैं बता दूं कि उस कोर्स का प्राइस है 2500, पर आप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करते हो तो फर्स्ट कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए ये 2000 का है, तो वहां पे आपको ये पूरा कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा 2000 में। आपका ये जो 60 मार्क्स है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये क्यों, क्योंकि इंग्लिश और जीके जीएस में पढ़ाता नहीं हूं, पर इसी कोर्स में आपकी टेस्ट सीरीज इंक्लूड होगी, तो इस टेस्ट सीरीज में हम जीके जीएस का भी पोर्शन और इंग्लिश का पोर्शन, मतलब टेस्ट जो होगा आपका वो 100 मार्क्स का होगा, सब्जेक्ट वाइज भी होगा और 100 मार्क्स का भी होगा जो फुल टेस्ट होगा, ताकि आपको ये एक्सपीरियंस हो कि अगर एग्जाम में जाते हैं तो आप कितना स्कोर कर रहे हो। तो टेस्ट इंक्लूड है, वैसे मैंने पोस्टर पे, कोर्स के पोस्टर पे भी मेंशन कर रखा है, तो आप चाहो तो वहां भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है भैया आपके पास पैसा नहीं है या पैसा है खर्च नहीं करना चाहते हो तो यूट्यूब से भी कर सकते हो, यूट्यूब की मैराथन क्लासेस देख सकते हो, एमसीक्यू देख सकते हो आप, और बाकी मतलब पूरा सिलेबस डाल रखा है। हाँ, जो कोर्स वाला सिलेबस है वहां पे थोड़ा और डिटेल में और ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया गया, आपको सिक्वेंसली सारी चीजें एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप जहां से भी करना चाहते हैं वहां से कर सकते हैं। थोड़ा पैसा देने के बाद टेंशन भी होता है ना कि भाई पैसा दे दिया आप तो पढ़ना पड़ेगा, तो ठीक है आप देना चाहते हो तो दीजिए, नहीं देना चाहते हो तो आपकी मर्जी, बाकी आप यूट्यूब भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बुक्स भी मैं बता दूंगा कौन सा पढ़ना है, उसकी भी टेंशन नहीं है। अगर आप बुक से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वहां से करिए, जहां से आपकी इच्छा है करिए, बट करिए, कम से कम पढ़िए। आईसी इंजन की बात करें तो जबरदस्त वेटेज होता है, पूरे 60 मार्क्स में आपके 25 से लेके 30 क्वेश्चन तो आईसी इंजन के रहेंगे। तो मतलब आईसी इंजन एकदम घुस घुस के पढ़ लेना है, मैंने भी एकदम घुस घुस के पढ़ाया हुआ है, सब कुछ कवर किया हुआ है आईसी इंजन का, जहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। और मुझे लगता है कि हर लेक्चर में आपको काफी प्रैक्टिस के एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू मिल जाएंगे, उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप अपने से भी कर सकते हो। बुक कौन सा फॉलो कर ले हम भाई, बुक वी गणेशन कर लीजिए, एकदम परफेक्ट बुक है, सब कुछ कवर कर देती है, फंडा भी बढ़िया है, तो आपका काम चल जाएगा। सबसे ज्यादा ध्यान इसी पे लगाना है, और लगाना भी क्या यार, मुझे लग रहा है जो लोग देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ, एक बात भूलते जा रहा हूं मैं भाई, ये कोर्स जो लोग ऑलरेडी AMBI में इनरोल हो या फिर ITBP वाले कोर्स में इनरोल हो उनको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली सिलेबस सेम है, आप पहले से पढ़ रहे हो ये सारा सिलेबस, तो आपको तो एग्जाम देना ही चाहिए और निकालना भी चाहिए, ठीक है। तो अगर पहले से आप उनमें इनरोल हो तो आपको ये कोर्स लेने की जरूरत नहीं, भाई सेम है, ऐसा नहीं कि घबरा के जाके इसको ले लें फिर कहें सर ये तो सेम ही है, मतलब सेम सिलेबस है, ठीक है। तो आप तो एग्जाम दे ही दीजिए क्योंकि आप तो प्रिपरेशन कर ही रहे हो। फिर एनाटॉमी ऑफ द व्हीकल का वेटेज की बात करें, वहां पे शॉर्ट में एनाटॉमी में क्या क्या आता है बेसिकली, तो चेचिस आ जाएगी आपका, ट्रांसमिशन सिस्टम, आपका जो सस्पेंशन सिस्टम है, क्लच है, स्टीयरिंग है, लुब्रिकेशन सिस्टम है, ये सारे जो सिस्टम होते हैं, व्हील, ब्रेक, टायर, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है, ये एनाटॉमी ऑफ द व्हीकल में। अब क्वेश्चन का वेरिएशन कोई कह दे कुछ पोर्शन इसका इसमें डाल दे, अब जैसे मैंने अभी बोल दिया तो लुब्रिकेशन, तो कोई कहे भाई लुब्रिकेशन तो इंजन का करते हैं, तो बाकी पोर्शन का भी करते हैं, आप उसको जहां रखना चाहते हो रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर ठीक है वेरिएशन कुछ ऐसे रहता है। यहां से आपको मिलेंगे 12 से लेकर 15 क्वेश्चन, इसमें भी लेक्चर में मैंने बताया होगा कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं, तो उस हिसाब से चीजों को आपको कवर करना है।
सारी चीजें एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, पर आपके पास टाइम है तो आप सब कुछ पढ़िए, क्यों कुछ छोड़ के जाना। वेहिकुलर पोल्यूशन को मैंने अलग लिख रखा है क्योंकि यहां से क्वेश्चन सेपरेटली आता ही आता है। मैंने 4 से 6 लिख रखे हैं, इतना ही के आसपास आता है, आगे पीछे भी हो सकता है। फिर इसके बाद जो आपके व्हीकल लेजिस्लेटिव है, आपके सिलेबस में ऐसा नाम होगा, पर उसमें पूरा जो सिलेबस है वो दिया गया है मोटर व्हीकल एक्ट का, और वो भी मोटर व्हीकल एक्ट पूरा नहीं दिया गया, वहां पे केवल 3 चैप्टर हैं, एक लाइसेंसिंग का है, एक व्हीकल रजिस्ट्रेशन का है और एक इंश्योरेंस है। मतलब ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। एक चैप्टर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो भी आपको पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2। सेकेंड नहीं पढ़ेंगे तो ये शायद समझने में आपको तकलीफ होगी, तो सेकेंड भी पढ़ लीजिएगा। बाकी कोर्स में तो मैं ये 4 चैप्टर ऐड कर दूंगा, आप वहां से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, वहां पे डिटेल में समझाया भी गया है, एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करवाया गया आपको, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहां से पढ़ना है, पर वेटेज क्या भाई, फ्रेंकली स्पीकिंग लास्ट टाइम का जो रिव्यू है बच्चों का, कि यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, 1 से 2 या 3 क्वेश्चन रहे होंगे, थोड़ा मेमोरी में ऐसे भी रहता है, भूल जाता है या फिर हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं, पर वो भी क्वेश्चन आसान ही थे। पर साथ में ये भी क्वेश्चन उठता है कि भाई लास्ट टाइम नहीं पूछा तो इस बात की क्या ही गारंटी कि इस बार नहीं पूछेगा, और सिलेबस में तो है और अच्छा खासा है, मतलब 3-4 चैप्टर हैं, तो मतलब काफी वेटेज इंक्लूड करता है, तो हो सकता है पूछ ले। तो आप मान के चलो कि 10 से 12 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाएंगे, अगर पूछे जाएंगे तो हो सकता है 2-3 क्वेश्चन में भी निपटा दें, क्योंकि इसके क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो और कॉपी पेस्ट भी नहीं मिलता है जनरली हर जगह पे, तो ये थोड़ा सा इश्यूज है। तो कह नहीं सकते कि कितने क्वेश्चन आएंगे, श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, बाकी आपके सिलेबस में है तो पढ़ना तो चाहिए, मेरा सजेशन तो रहेगा कि आप पढ़िए उसको, मे बी आपके एग्जाम में आई जाए क्वेश्चन, तो ऐसा ना हो कि अनफॉर्चुनेट हो जाए, क्योंकि इन सब में पढ़ने के बाद भी हो सकता है थोड़ा बहुत गलती हो जाए, क्योंकि फंडामेंटल लगता है, यहां पर एक बार आपने पढ़ लिया तो गलती के चांसेस 0 हो जाते हैं या ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि स्टैटिक डाटा रहता है, तो क्या ही गलती करोगे आप, याद है तो सही करोगे, नहीं है तो एटलीस्ट नेगेटिव मार्किंग तो नहीं करोगे। इंग्लिश का भी कुछ पॉइंट मैंने मेरे हिसाब से लिख दिए हैं कि इस टॉपिक से इतना टच हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से इसको भी रीड आउट कर सकते हो। बाकी लास्ट में इनके बारे में भी मैं बता दूंगा। बुक अगर आपको लेना है, जैसे इसके बारे में मैंने बुक नहीं बताया, तो इसके लिए तो आपको बुक ले लेना आरबी गुप्ता, ठीक है। अगर पढ़ना है बुक तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा बुक के चक्कर में मत पढ़ो, क्योंकि बुक लेके रखी जो रह जाती है फिर पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है। तो शॉर्ट मटेरियल मिल जाएगा, कुछ मटेरियल अगर आप चाहते हो तो टेलीग्राम पे भी अपलोड होगा ही, कुछ का पूरा ही होगा, आप चाहो तो वहां से भी ले सकते हो। फिर है व्हीकल पोल्यूशन, ये भी आसानी से मिल जाएगा, इसको भी मैंने बनाया हुआ और इसको भी बनाया हुआ है, पर हाँ इसको मैं कहूंगा कि जो यूट्यूब वाली वीडियो है वहां से देखना, तो वो वाला स्टैटिक्स डाटा वैसे ही फॉलो मत कर लेना, क्योंकि काफी सारे अमेंडमेंट होते रहते हैं, फिर बाद में मुझे आप गालियां दो कि आपकी वीडियो देख के गया था, इसमें आपने ये बताया था और आया था, मैंने यही कर दिया और ये गलत हो गया, क्योंकि वो चेंज होता रहता है, ठीक है। चलिए इंग्लिश का भी मैंने बता दिया, वहां पे बुक तो बता दिया, और इसके लिए गजट ही पढ़ लेना आपको, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए गजट आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो गजट पढ़ लीजिए, समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। और नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा मेरे यूट्यूब वीडियो का सहारा ले लीजिए, बाकी तो आपकी मर्जी है भाई। फिर ये तो मैं अब इसके बारे में तो क्या ही डिस्कस करूं, क्योंकि मैं खुद अपने आप को मानता हूं कि मैं इसके लिए फिट नहीं हूं बताने के लिए आपको, पर हाँ कई सारी मार्केट में बुक है, आप चाहे कोई सा भी फॉलो कर लीजिए, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ठीक है। मैं एक चीज सजेस्ट जरूर करता हूं कि अगर कोई पोर्शन आपका वीक है तो थोड़ा सा उसको अवॉइड कर सकते हो आप, अगर आपको लगता है कि ये टाइम देके मैं दूसरे में बहुत अच्छा कर सकता हूं तो इसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरा ही अवॉइड कर दो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, क्योंकि बहुत बार होता है बहुत आसान क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको आप कर पाओगे। तो इसको फंडामेंटली देख लो, वीडियो बहुत ज्यादा आती है यूट्यूब पे, कोई पढ़ा रहा हो तो मैराथन क्लास को एक देख लोगे तो आपका काम उतने से बन जाएगा, आप यहाँ पे आराम से 20 मार्क्स का है ना, तो कोई मैराथन क्लास देख लोगे XYZ, तो इतना फंडा क्लियर हो जाएगा कि यहां से 5 से 7 नंबर लेके आ जाओगे आसानी से, और कंप्रिहेंशन में तो आ ही जाता है यार, उसमें ऊपर कुछ लिखा रहेगा उसी के बेसिस पे आंसर देना रहेगा, तो आप कर ही लेते हो। एरर डिटेक्शन में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, आर्टिकल वाले भी क्वेश्चन आप कर लेते हो, आसान होते हैं, तो मुझे लगता है कि ना पढ़ के भी 5 से 7-8 नंबर लाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका अवेयरनेस, ये इसका सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और वेटेज बहुत कम है, 20 क्वेश्चन पूछने हैं, इतना बड़ा सिलेबस है, कुछ भी पूछ लेंगे वो, पर मैं एक चीज कहूंगा कि डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसको आप थोड़ा सा फॉलो कर लेना, मे बी वो पूछ लें आपसे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और डिफेंस रिलेटेड दो, बाकी स्टैटिक के क्वेश्चन भी रहते हैं कुछ, ये सिनेरियो रहता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो,
तो ठीक है, अगर आपको इसमें भी लगता है कि कोई टॉपिक आप कर सकते हो या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पे इस सिलेबस का हिस्सा है, तो दोनों को कंबाइन करके आप डिसाइड कर लो कि ये वाला तो मुझे पूरा पढ़ लेना है, ये छोड़ देना है, उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। बाकी तो करेंट अफेयर जो है सभी लोगों को, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे नहीं भी कर रहे हो, तो देखते तो रहना चाहिए। और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो 100% देखते रहना चाहिए, चाहे किसी स्पेसिफिक यूट्यूब को फॉलो कर लो, किसी मैगजीन, किसी पेपर, कुछ भी फॉलो कर लो, उसको डेली पढ़ लीजिए, एक आध घंटे मॉर्निंग का दे दीजिए उसको, आपको क्या, आप उससे अपडेट भी रहोगे और थोड़ा नॉलेजेबल भी फील होगा कि मुझे देश दुनिया में क्या चल रहा है, मैं ऐसे बैल की तरह खा के सोता नहीं हूं और कंपोस्ट नहीं बनाता हूं, कम से कम भगवान ने जो दिमाग दिया है उसमें कुछ डालते रहता हूं डेली, तो दुनिया के बारे में अपडेशन है। ऐसे नहीं कि कोई जोक आया और वो भी समझने में हमको तकलीफ हो रही है, तो फिर आप समझ लेना कि आप बहुत पीछे चले गए हो। बाकी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जरूर रिप्लाई मिल जाएगा। और कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर मनु एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।